हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। आज हम बनाने जा रहे हैं सोप, जो कि हम उपटन सोप बनाएंगे। और उसके लिए हमें लेना है इस तरह से एक सोप बेस, जो कि मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था। और इस तरह का बेस लेकर हमें इसे डबल बॉयलर पर रखकर हम इसे मेल्ट कर लेंगे। और ये बड़े ईजिली कट जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप बेस होता है। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह आप पियर साबुन भी ले सकते हैं, उसे बस आप ग्रेट कर लीजिए ग्रेटर की हेल्प से और सेम इसी मेथड से बना लीजिए। तो ये है हमारा सोप बेस और इसे हम डबल बॉयलर पे रख के गर्म कर लेंगे। तो ये हमारा सोप मेल्ट हो रहा है और इसी बीच अब हम बनाएंगे उपटन की सामग्री तैयार करेंगे हम। तो उपटन सोप के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल में बेसन। जैसे कि हम जानते हैं उपटन में हम सदियों से बेसन का यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम ले लेंगे करीब 1.5 टेबल स्पून बेसन। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का यूज़ भी बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये बहुत गुणकारी होती है, ठंडक भी देती है और क्लिंजिंग का काम तो करती ही है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ओट्स, वही ओट्स जो हम नाश्ते में खाते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चंदन पाउडर। ये चंदन पाउडर बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ठंडक देने वाला होता है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये मैंने आंबा हल्दी ली है। आप चाहें तो जो मसाले वाली हल्दी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर स्किन वगैरह के लिए ये वाली हल्दी रिकमेंड की जाती है। अगर रेशियो देखें तो बेसन, चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी और ओट्स हम करीब करीब एक ही क्वांटिटी में लेंगे। और हल्दी और चंदन पाउडर ये दोनों एक एक टीस्पून ले लेंगे हम। अब चूँकि इसमें ओट्स है, ये थोड़ा मोटा मोटा है, तो हम इसे मिक्सर के जार में डालकर पीस देंगे। तो ये सोप बेस हमारा मेल्ट हो चुका है। और मेल्ट होने के बाद इसको थोड़ा जल्दी करना होता है, क्योंकि ये वापस से चिपकने लगता है, वापस से जमने लगता है। और ये सारा मटेरियल जो अभी हमने पीसा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस सोप को बना लेने के बाद और इससे नहाने के बाद आपको उपटन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसे हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो ये हमारा सोप का मटेरियल रेडी है। अब हम इससे सोप बनाएंगे। सोप बनाने के लिए इस तरह के मोल्ड्स मार्केट में मिलते हैं। इसके अलावा ये जो कपकेक के मोल्ड्स होते हैं हम इसमें भी बना सकते हैं। ये जो चाय के डिस्पोजल कप्स आते हैं इसमें भी बना सकते हैं। और इस तरह से कोई घर में जो प्लास्टिक कंटेनर्स, हमारे घर में जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें भी हम बना सकते हैं। बस इसमें हमें थोड़ी चिकनाई लगानी होगी, कुछ भी वैसलीन वगैरह कुछ भी आप इसमें लगा लें, जिससे सोप आराम से बाहर आ जाएगा। तो अब इस सोप को हम इन सब में डाल देंगे और इसे करीब करीब 4 घंटे से 6 घंटे के लिए हमें छोड़ना होगा। तो इस तरह से हमने ये सभी मोल्ड्स में डाल दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे इस सोप का जम जाने का। तो ये हो गया है हमारा साबुन रेडी, जम चुका है। ये एक मैंने अनमोल्ड भी किया, इससे हाथ धोकर भी देखें बड़ा अच्छा है। और ये देखिए, ये हमारा साबुन। और इसे निकालने के लिए हम इसे कट देंगे कट, तो ये भी बड़े आसानी से निकल जाता है इस तरह से। ये केक मोल्ड वाला हमारा केक। और इसी के साथ ये जो हमने हमारे कंटेनर में जमाया था, तो ये साबुन भी हमारी निकल चुकी है। हम करेंगे हैंड वॉश। तो ये देखिए,
इतना अच्छा झाग भी है और उपटन वाली फीलिंग भी। तो ये हमारे साबुन हो चुके हैं रेडी और इसे कर दिया है हमने बॉक्स में पैक, और इस तरह से हम कवर कर देंगे। ये गिफ्ट बॉक्स तैयार है हमारा, गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, होममेड घरेलू साबुन जिससे कि कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और ये बहुत सारी चीज़ों में काम करेगा, हमें टैनिंग में भी काम करेगा, स्किन ब्राइटनिंग में भी काम करेगा, और एंटी एलर्जिक भी रहेगा क्योंकि इसमें हल्दी डली है, एंटी बैक्टीरियल रहेगा, जिन्हें एलर्जी वगैरह है वो लगा सकते हैं इस सोप को। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस तरह से और भी साबुन मेरे चैनल पर डले हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।